राकेश बापट ने भले ही बिग बॉस ओटीटी में ट्रॉफी ना जीती हो, लेकिन उनकी दावेदारी काफी स्ट्रांग रही। राकेश भीड़ में सबसे अलग नजर आए। एक ओर जहां कंटेस्टेंट चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात रखते थे, तो वहीं राकेश बापट इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने बड़े ही संयम के साथ गेम को आगे बढ़ाया। हालांकि राकेश को अपने इस नेचर की वजह से कई तरह की ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था। एक इंटरव्यू के दौरान राकेश बापट ने कहा कि मैं बिग बॉस के मिजाज से बिल्कुल अलग हूँ। मुझे तो लगा कि मैं सबसे बोरिंग कंटेस्टेंट रहूँगा। हो सकता था कि उन्हें मेरी तरह का ही कोई चाहिए होगा। वैसे एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहा है। मैं वहाँ अपने उसूलों पर डटा रहा। मैं वहाँ दिखावा नहीं करना चाहता था। मेरे लिए ट्रॉफी जीतना मायने नहीं रखता था। मैं जैसा हूँ पूरी गेम में वैसा ही नजर आया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एक वीकेंड के वार के दौरान करण जौहर ने मुझ पर लिंगभेद के आरोप लगाए। हालांकि मेरा मतलब वो बिल्कुल भी नहीं था। चीज़ें गलत तरीके से समझी गई। उस एपिसोड के बाद मैं काफ़ी उदास हो गया था। मेरे परिवार वाले मुझे टीवी पर देख रहे थे तो वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। वह तो उठकर टीवी तोड़ देना चाहते थे। दरअसल उन्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। साथ ही उन्होंने बताया कि ये बात मेरे पेरेंट्स को बहुत गलत लगी। वे सोच रहे थे कि क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ, उसे बाहर निकालो। मेरे घर वाले तो चैनल से बात करने की भी सोच रहे थे कि कैसे भी कर वो मुझे बाहर ले जाएं। तो वहीं जोरू का गुलाम वाले कमेंट पर राकेश बापट ने कहा कि मैं केयरिंग हूँ, ना कि जोरू का गुलाम टाइप वाला इंसान। मैं हमेशा अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके साथ शालीनता से पेश आता हूँ। अगर उसके लिए मुझे थोड़ा झुकना भी पड़ जाए तो इससे कोई गुरेज नहीं है।